नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना की गलियों में कोई न कोई राजनीतिक खबर सुबह सुबह आ ही जाती है। जी हां, आज पत्रकारों ने जब राबड़ी देवी से आरसीपी के बारे में सवाल दाग दिया तो राबड़ी देवी का सीधे कहनाम था कि वो आरसीपी सिंह को कोई वैल्यू नहीं देती और हमारे परिवार में भी आरसीपी सिंह को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। पत्रकारों का सवाल था कि तेजस्वी की शादी आप कब कर रही हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह ने इस पर छींटाकसी की थी कि अब राबड़ी देवी को तेजस्वी की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं हनीमून पर चले जाते हैं। इस पर राबड़ी देवी ने जो खरी खोटी सुनाई आरसीपी सिंह को, राबड़ी देवी ने कहा कि पहले वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शादी कराएं, चिराग पासवान की शादी कराएं, तब मैं और मेरा परिवार तेजस्वी यादव की शादी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग निशांत कुमार और चिराग पासवान जो हैं वो तेजस्वी यादव से बड़े हैं। अब हमारा बेटा कहाँ घूमने जाता है, क्या करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन से किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, वास्तव में ये सच्चाई भी है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपके ऊपर आपके पूरे राज्य की जनता की नज़र रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि राबड़ी देवी ने जो खरी खोटी सुनाई है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम आरसीपी सिंह को कोई वैल्यू नहीं देते, भले वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो। अब क्या जवाब आता है आरसीपी सिंह के तरफ से, इस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।